अरे यार कृपा यहाँ आया तो वो कौन है? उसका बहनोई। यार कुत्ते की तरह पीट दिया मैंने उसे, चलो माफी मांग लेते हैं। ढाबे में जैसे आटो गूंथते हैं वैसे मेरे जीजा को गूंथने का बात, अब सॉरी बोलना है सॉरी। चलो मुझे किताब करता है, मुझे करते कितना? अबे तेरी तो आज नहीं छोड़ूंगा। इसकी बोनट तो पूरी तरह डैमेज हो चुकी है। अबे ये बोनट नहीं डिक्की है, बोनट तो ये है। मेरी धुलाई करने वाला तू है? मैं? दो अनजान लोगों ने तुम्हारा किडनैप किया ये सुनकर तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई और तुम मुझे मार रहे हो? यस बॉस, वो लोग दो थे। दो थे? समझ गया। मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तुझे जान से मारने के लिए आया था। वो तो तेरी किस्मत अच्छी थी कि तेरा जीजा मेरे हाथ फंस गया। ऐसी कौन सी गलती की मैंने? क्या गलती की? हमारे चंद्रू का उस प्रताप सिंह की बेटी के साथ नाजायज संबंध है, ऐसा अमृता से झूठ क्यों बोला तुमने? वो तुमने विश्वास कर लिया? मैं तो ऐसा ही झूठ मूठ का हवा दे रहा था। हवा दे रहा था? तेरी बात तो सुनना यार। क्या सुना? मेरी बात तो बोल। क्या सुना? क्या बोला? अरविंद, अरविंद रुक जा, अरविंद रुक जा, छोड़ उसे, छोड़ उसे, मार डालो बस। क्यों मार रहे हो उसे? उसने क्या गलती की है? सारी परेशानियों की जड़ यही है, तेरा उस प्रताप सिंह की बेटी के साथ गलत संबंध है, ऐसा अमृता से झूठ बोला इसने। ये सुनके प्रताप सिंह को अमृता ने खत भेजा। देखा कैसा घुर रहा है? तेरी इस हरकत के लिए तुझे मार के ताला में फेंक देना चाहिए। ए, मार दे मुझे, मार दे। ए चंद्रू, तेरे कहने पर ही सब किया था ना, मुझे मारने को कह रहा, मुंह खोल के बोलता क्यों नहीं? तेरी प्यारी बहन ने उस गुमनाम खत के बारे में ही कहा और कुछ नहीं कहा। ये उस प्रताप सिंह की बेटी से शादी करे तो उससे क्या, प्यार करे तो उससे क्या, ये तू नहीं पूछेगा? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ। तेरी प्यारी बहन चंद्रू से प्यार करती है, इश्क फरमाती है, लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा, अपने दोस्त की बहन से प्यार करना गलत सोचा, दोस्ती के नाम पर धब्बा है समझा, इसलिए इसने उसके प्यार को कबूल नहीं किया। इसने कहा अमृता को किसी भी तरह पीछे हटा दे, मुझे सही लगा, लगना क्या है, यही सही है, कोई भी सच्चा दोस्त ऐसा ही सोचेगा। सच क्या है जाने बिना जल्दबाजी में तुझ पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे यार। ए, तू ही ना तुम्हारा ना, कोई बात नहीं, वो भी फ्रेंडशिप के लिए ही ना, मुझे खुशी है यार। चंद्रू, अमृता की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। ए, तुझ जैसा नेक इंसान हमारे घर का दामाद बने, ये सिर्फ अमृता की ही नहीं, हम सबकी खुशनसीबी है। ए, उस ऊपर वाले ने हम तीनों को बनाया है फ्रेंड्स बनके रहने के लिए, अब चाहे वो ऊपर वाला ही कोशिश क्यों ना करे, हम कभी अलग नहीं हो सकते। We'll be right back.
तुझको सबसे प्यारा, यार ही जीने का सहारा, यारी ही ईमान है मेरा, यारी ही वरदान है मेरा, दुनिया में सबसे बढ़कर है मेरी यारी। अरे दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा। दोस्ती बिना तो ये जिंदगी है क्या, ये दुनिया कुछ भी कर ले हम तो होंगे ना जुदा। कटार की धार तेज करो बॉस, पेंटिंग करने के लिए आप क्या कटार इस्तेमाल करोगे? पेंटिंग करने के लिए नहीं, मैं इसकी धार तेज कर रहा हूँ किडनैपर्स के गर्दन काटने के लिए। एक बार दो टुकड़े। बॉस, ब्रश पकड़ने वाले हाथ में कटार मुझे देखा नहीं जाता बॉस, ये मुझे दे दीजिए, उन्हें मैं काट डालूंगा। आहा, शाबाश मेरे लाल, तू ही मेरा सच्चा शागिर्द है। इस महीने से तेरी पगार मैं 5 रुपए बढ़ा देता हूँ। जाओ बॉस। नहीं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे जाओ। नीचे। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जाके जीजू को पटा के आ जाता हूँ। ठीक है जाओ। कृपा, तुझे खुशखबरी पता है? क्या तुझे नौकरी से निकाल दिया? नहीं, बॉस ने मेरी पगार 5 रुपए बढ़ा दी है। अबे, अभी तुझे दे रहा है वही ज्यादा है, और भी बढ़ा दिया। जीजू को अकल नहीं है। हाँ, अकल होता तो वो तुझे क्यों पालता, मुफ्तखोर कहीं का। जीजू,
जिसे ब्रश पकड़ना नहीं आता उनका पगार बढ़ाते हो। बिना पगार के काम करने वाले यहाँ बहुत पड़े हैं। अबे पगले कहीं के, आजकल के जमाने में बिना पगार का कौन काम करता है बोल? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस हाँ, यानी ऑपरेशन? नहीं जीजू, बिना पगार के काम करने वालों को अप्रेंटिस बोलते हैं। आ? आ?